प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2020 के संभावित बाढ़ के बचाव व राहत की तैयारियों की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन, ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव, CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी, जिला पशु चिकित्सा अधिकारी, NDRF के अधिकारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वर्षा शुरू हो चुकी है, जिसको देखते हुए संभावित बाढ़ के बचाव व राहत कार्यों की तैयारियां पूरी कर लें। बंधों के रेनहोल को चेक कर उसकी मरम्मत करा लें। बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर लें। कंट्रोल रूम स्थापित कर लें, जिससे बाढ़ आने के बाद कोई भी दिक्कत न उठानी पड़े। हर चीज में हमें तैयारी अपना काफी बांध में गोभी चीजें लगनी है, जो पेट्रोमिक्स की व्यवस्था, जो संवेदनशील स्थल है, उसके हम लोगों ने पूरा तैयारी किया सर। और जो भी काम आपने दिखाया सर, ये मई और जून में काम है सर। ड्रेंचिंग के 10 प्रोजेक्ट हमारा 96% कम्प्लीट हो गया सर। 3 हम जून 20 तक करेंगे सर। एक हमारा सुरक्षा बाकी हम केयरफुल है सर। लास्ट ईयर से हम वो कर बेहतर और काम करेंगे सर। कटान हो रही थी पिछली बार, सांबा नदी से कुछ जगह कटान हो रही थी ना आपके यहाँ पे सर, वो पांचों प्रोजेक्ट आपने सैंक्शन कर दिया सर। हमारे यहाँ सर ये स्टेयरिंग कमेटी की मीटिंग हो गई है सर, और जितने भी लाइन डिपार्टमेंट है अलर्ट कर दिया गया है सर। पिछली बार सर शारदा नदी में हमारे यहाँ सर चंदिया जरा राहुल नगर की परियोजना गई थी सर, लेकिन वो फॉरेस्ट क्लियरेंस ना होने के कारण सर वो एक परियोजना लंबित है सर। तो उसके लिए अभी हमने सर मनरेगा में 1.3 करोड़ से कवर कर लेंगे सर। ये इम्पोर्टेंट परियोजना है जो भी लंबित रह गई सर। इसके अलावा भी 4 परियोजनाएं लंबित है सर, और हमारे यहाँ और JCB की मैंने पूरी लिस्टिंग कर ली है सर। 85 हमारे पास JCB भी उपलब्ध है। तो बाढ़ की तैयारियों की दृष्टि कर सर हम पूरी तरह से सतर्क है सर। और ये जो चलिया जा रहा है जो मैंने मेंशन किया था सर, वो हमारे लिए सर फोकल पॉइंट बना हुआ है सर। इसके बाद हम लोग के बारे में बता देंगे, लेकिन बाढ़ से कटान से संभावित सभी स्थलों का निरीक्षण, कटान निरोधक जो भी उपाय होने हैं परमानेंट टेम्पररी, उन सबको किए जाने की आवश्यकता है। जहां पे बॉर्डर की आवश्यकता है बॉर्डर पहले से पहुंच जाने चाहिए, जहां बैंकों पैलेट की आवश्यकता है सारी व्यवस्थाएं हमारी पहले से ही रहनी चाहिए। किसी भी स्थिति में जन धन की हानि रुकनी चाहिए, इसके बारे में भी सुनिश्चित होना चाहिए सर। वो मटेरियल वगैरह हम लोगों ने पहले से ही वहां पे इकट्ठा कर लिया है। और पूर्णा सर प्रणाम सर।